ओके, हमने जो 7 ही करा है, जो बच्चे थोड़े से लेट आए उनको बता देता हूँ कि आपको मैंने बस एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि सिस्टम है, आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है, 8 चार्जेस को क्यूब के वर्टेसेस पर रखा है, क्यूब की साइड लेंथ ए है और आपको एक कॉर्नर पे चार्ज है क्यू स्टार बोल दिया उसे, उसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा ए कॉमा ए, उस पर नेट फोर्स कितना होगा बताना है। मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर नहीं बताना है, आपको एक्स वाई जेड का सिस्टम दिया है तो आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है, वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है। चलिए करिए ट्राई। ऑल वर्टाइसेस ऑफ क्यूब हैव चार्ज एंड ऑल चार्जेस आर क्यू, सारे चार्ज क्यू है। तो मेरे पास आंसर भी आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली क्वेश्चन करना तो आसान है इसका, बस है लेंदी क्वेश्चन है तो ये आसान, बस एक चार्ज से फोर्स निकालना है तो उसको छोड़ के 7 चार्जेस बचेंगे, तो 7 का जो फोर्स होगा वो वेक्टर फॉर्म में लिख कर जस्ट ऐड करना है ना, करने का तो काम छोटा है इसका, बस लेंदी है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा मतलब, है ना, ऐसा कोई खास ट्रिक नहीं लग रही है, बेसिक ही है। तो आपको किसी एक चार्ज जो कॉर्नर पे उसको फोर्स निकालना था, अब स्टेप बाय स्टेप करो इसको करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप करो। पहले तो एक काम करते हैं, जो एकदम एज के अलोंग चार्जेस से उनका फोर्स निकालते हैं, जैसे इस चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इस चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इस चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, जो 3 चार्जेस जस्ट अलोंग द एज है उनका फोर्स निकाल लेते हैं। ये जो चार्ज होंगे उन सबका फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बिकॉज सबकी डिस्टेंस ए है, तो इनसे जो फोर्स लगेगा, देखो ये वाला फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इन 3 चार्ज का, इसका इसका इसका, इन तीनों का फोर्स लिख देते हैं अपन, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन तो आई जे के, तो फोर्स वेक्टर जब हम लिखेंगे इन तीनों का, तो मैग्नीट्यूड में सबका फोर्स आएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और डायरेक्शन में एक की आई एक की जे एक की के है, तो बस इस तरह से मैंने ऐड करके लिख दिया, ठीक है। तो इन 3 का फोर्स हो गया, चलो इन 3 को हटा देता हूं मैं, इन 3 का फोर्स लिख चुके हैं। अब फेस डायगोनल के चार्जेस लिख लेते हैं, अगर आप फेस डायगोनल देखें तो एक ये चार्ज है इसका फोर्स लगेगा ऐसे, एक इधर चार्ज है इसका फोर्स होगा इस डायगोनल के अलोंग, एक ये चार्ज है इसका फोर्स होगा इधर के डायगोनल के अलोंग। अब 3 फेस डायगोनल के 3 चार्जेस होंगे, किसी एक को पहले लेके अपन स्टार्ट करते हैं, किसी एक को देख कर अपन स्टार्ट करते हैं, चलो इस चार्ज का फोर्स देख के स्टार्ट करते हैं, तो इस चार्ज का जो फोर्स होगा वो इस वेक्टर के अलोंग होगा। This charge is on x-axis, तो इसके कोऑर्डिनेट होना चाहिए a 0 0, और यहां से यहां का जो वेक्टर बनेगा, ये जो वेक्टर बनेगा पहले वो वेक्टर सोचो कि क्या है, this vector r vector should be final point के कोऑर्डिनेट minus initial point के कोऑर्डिनेट into i j k, तो a minus a 0 हो जाएगा वो, तो 0 i, a minus 0 तो a j plus a k, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जो हो गया r वेक्टर का वो आ गया √2a। बस मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो, और आर वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है, तो इस चार्ज से जो इस पर फोर्स होगा वो आर वेक्टर के अलावा होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, तो वो फोर्स हो जाना चाहिए था प्लस के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस √2a है तो √2a का स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज अलॉन्ग दिस आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा ए जे प्लस ए के बाय √2a, ये आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करा। अब ये इस चार्ज का फोर्स लिखा, सिमेट्रिकली इसका फोर्स और इसका फोर्स भी आएगा, तो जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरह से बाकी दोनों कंपोनेंट आएंगे, जब मैं एक्स एक्सिस वाले चार्ज का फोर्स निकाल रहा हूँ तो जे और के कंपोनेंट आ रहे हैं, तो वाई एक्सिस वाले चार्ज का फोर्स लिखूंगा तो जे और सॉरी आई और के कंपोनेंट आएंगे, फिर जो चार्ज यहाँ रखा हुआ है जेड एक्सिस पे उसका फोर्स लिखूंगा तो आई और जे के कंपोनेंट आएंगे, है ना, बाय सिमेट्रिक, अपन ने सिमेट्रिक के लॉजिक से डायरेक्टली बोल दिया, तो इन 3 चार्ज के फोर्स जो फेस डायगोनल पे थे उनके भी फोर्स लिख दिया अपन ने, तो 3 3 6 चार्ज के फोर्स आ गए, बचा सिर्फ एक और जो बॉडी डायगोनल पर है, तो बॉडी डायगोनल का जो आर वेक्टर होगा वो होगा ए आई ए जे ए के, दैट फोर्स शुड बी के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए आई प्लस ए जे प्लस ए के शुड बी √3a, उसका क्यूब उसका स्क्वायर और अंदर आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो दैट विल बी ए आई प्लस ए जे प्लस ए के अपॉन √3a।
तो ये मैंने लिखा बॉडी डायगोनल पे चार्ज उसका फोर्स, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू चार्ज का यूनिट वेक्टर. तो दीज आर थ्री फोर्सेस ड्यू टू थ्री चार्जेस ऑन द एजेस, ये फेस डायगोनल और ये बॉडी डायगोनल. तो ऐसे तीन तीन और एक, टोटल सात चार्जेस का फोर्स आएगा. जस्ट ऐड करके लिख दो, यू विल गेट आंसर. चलो ओके वेरी गुड. चलो सबको क्लियर, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? थोड़ा सा बस मेहनत का क्वेश्चन है. यस वेरी गुड ओके. तो ये अपन ने पिछली क्लास में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, उसका एक तरह से एप्लीकेशन देखा अपन ने कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप, इस तरह से फोर्स लिखना है ना. सिमेट्री थी तो उसका भी यहाँ पे यूज करा अपन ने. अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज जो हमको समझना है उस पर आते हैं. ठीक है, उससे पहले लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था उसमें कुछ भी डाउट किसी को तो पहले तो वो पूछ लो, फिर अपन आगे पढ़ते. लास्ट क्लास में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखे थे, तो आई थिंक कोई डाउट ऐसा होना नहीं चाहिए था. ठीक है, आपको कोई डाउट भी नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं. तो आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इक्विलिब्रियम. तो नेक्स्ट चीज लिखिए इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है इलेवेंथ में भी. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इक्विलिब्रियम, पहले तो ये बताओ. व्हाट डू यू नो बाय द वर्ड इक्विलिब्रियम, बताओ. आप क्या जानते हैं अबाउट इक्विलिब्रियम? तो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है नो नेट एक्सटर्नल फोर्स. यस, द नेट फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई एंड जेड इज जीरो. वेरी गुड. स्टेबिलिटी, यस. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो आ रहा हो एंड अगर ऑब्जेक्ट रोटेट भी नहीं कर रहा हो, दोनों चीजों, तो अपन बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम होने के लिए इट शुड नॉट रोटेट as well as it should not translate. So translational equilibrium के लिए net force should be zero, rotational equilibrium के लिए net torque should be zero. Rotation की बात कहाँ होगी? Generally ऐसी bodies में होगी जो rotate हो सकती है, जैसे rigid body कोई हो, कोई बड़ी object हो. जब अपन point charges की बात करेंगे तो वहाँ rotation का कोई sense नहीं हो जाएगा, because point charges में rotation का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना. तो उनके लिए अपन rotation equilibrium की generally बात कम ही करते हैं. जब दिखेगा किसी क्वेश्चन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी जरूरत है तो वहां वैसी बात करेंगे अपन. ठीक है, चलो. तो मेन चीज हो गई कि भैया नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. अब नेट फोर्स जीरो होता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चल सकता है. तो व्हेनेवर पार्टिकल हैज वेलोसिटी कांस्टेंट और द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में. तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, नेट फोर्स वेक्टर इज जीरो. नेट फोर्स इज जीरो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा. एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. ये प्रॉपर्टी होगी इक्विलिब्रियम की. अब जहां इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ऐसे तीन कैटेगरी में अपन डिवाइड भी कर सकते हैं. स्टेबल, अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम. स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ऐसे तीन कैटेगरी में डिवाइड भी कर सकते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम पोजिशन जहां पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और अगर मैं उसे डिस्प्लेस करूं फ्रॉम द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सो इट विल ट्राई टू कम बैक टू द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजिशन. जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, एक बॉल को एक बाउल में डाल दिया. एक गेंद को या एक पार्टिकल को मैंने, है ना, एक बाउल, स्फेरिकल बाउल में डाल दिया. तो इसे छोड़ेंगे तो बॉटम ऑफ पोजीशन पे रहता है. इसको अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ू, थोड़ा सा पुश करके छोड़ू, तो ये वापस ओरिजिनल पोजिशन पे आता है. तो ऐसे पोजिशन जहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और वहां से डिस्टर्ब करने पर वापस वहीं आने की कोशिश करता है, ऐसे पोजिशन को बोलते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन. ठीक है, ऐसी पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है कि डिस्टर्ब करने में पार्टिकल का वापस से उधर ही आने की टेंडेंसी होना चाहिए. तो वो अपन है कि नहीं, एक तरीका चेक करने का होगा कि पार्टिकल को डिस्टर्ब करो और चेक करो कि फोर्स किधर है. अगर फोर्स इसे वापस लाने का है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन. एक तरीका तो बेसिक ही हो जाएगा. दूसरा तरीका, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम होती है, यू इज मिनिमम. तो अभी तो यू पढ़ा नहीं अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे. फिलहाल मैं लिख देता हूं, पर अपन ये यूज नहीं करने वाले फिलहाल. डीयू बाय, एक तो यू मिनिमम है तो डीयू बाय डीएक्स विल बी जीरो एंड इसका डबल डिफरेंशिएशन विल बी नेगेटिव. अगर एक्स एक्सिस के अलावा पार्टिकल इक्विलिब्रियम देख रहे अपन, तो एक्स एक्सिस में यू का डबल डिफरेंशिएशन शुड बी नेगेटिव, है ना, बिकॉज जहां मिनिमा होता है वहां पर, सॉरी, मिनिमम पे पॉजिटिव आता है, उल्टा लिख दिया मैंने. जहां मिनिमा होता है वहां स्लोप धीरे धीरे बढ़ता है, तो डबल डिफरेंशिएशन शुड बी पॉजिटिव. चलो,
तो ये ऑल्दो मैंने लिख दिया है, बट इसका अपन को यहाँ अभी फिलहाल यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो ये हो गए स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, दिस इज फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर दूसरा आपने पढ़ा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एसी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम तो है पर वहां से थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया पार्टिकल को तो वापस नहीं आएगा, वो मूव कर जाएगा अवे फ्रॉम द पोजीशन। जैसे ये अच्छा एग्जांपल हो गया, यहां से डिस्टर्ब करेंगे तो अवे चले जाएगा। इस सिचुएशन में डीयू बाय डीएक्स तो जीरो होता है, जब भी इक्विलिब्रियम है पोटेंशियल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज जीरो, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो, है ना, नेट फोर्स ही तो ये आएगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में इस जीरो आएगा और इसका डबल डिफरेंशिएशन यू का विल बी नेगेटिव। चलो, तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा इलेवेंथ में पढ़ा हुआ है आपका, बस अपन रिकैप कर रहे हैं। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे पार्टिकल को डिस्टर्ब करो तो वापस नई पोजिशन पे इक्विलिब्रियम। तो ये सब इक्विलिब्रियम की चीजें अपन ने एक बार रिकैप करी, डब्ल्यूपी में आपने पढ़ा है, जस्ट रिकैप कर रहे थे अपन। ठीक है, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है ऐसी सिचुएशन से पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है, ऑसिलेटरी हो सकता है, इसको डिस्टर्ब करे तो पार्टिकल वापस आने की कोशिश करता है, ऐसी सिचुएशंस होती है ऑसिलेटरी मोशन की। और ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन दिस केसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जो नेट फोर्स लगता है ऑन डिस्टर्बिंग पार्टिकल इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ऐसी चीज में पढ़ाई आपने, है ना। सो इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है एसएचएम हो रहा हो, वो चेक करना पड़ता है, एसएचएम होगा कि नहीं हमेशा चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ठीक है, तो ये अपन ने कुछ चीजें समझ ली, है ना। अब ये सब आपको आता था, मैंने जस्ट रिकैप कराया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कैसे होगा? ऑफकोर्स जब नेट फोर्स जीरो होगा तब होगा। तो पहले तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जहां पे सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करिए, बाद में स्टेबल अनस्टेबल की बातें भी करेंगे अपन, है ना। तो पहले तो अपन आसान क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि एक स्ट्रेट लाइन पर मेरे पास दो चार्जेस थे, वन वॉज क्यू एंड अदर वॉज 4q, एक था क्यू दूसरा था 4q, इनके बीच में एक चार्ज स्मॉल क्यू विच इज पॉजिटिव इन नेचर, उसको कहां रखूं? इनके बीच में एक चार्ज प्लस क्यू को कहां रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में हो? फाइंड पोजीशन ऑफ प्लस क्यू सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। चलो, पोजीशन बताइए प्लस क्यू की जैसे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। करो, आसान सा क्वेश्चन है, क्यू को इक्विलिब्रियम में लाना है तो उसको नेट फोर्स जीरो करना है, तो नेट फोर्स जीरो करने की आप सिचुएशन कंडीशन निकाल लीजिए। सर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाँ, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कुछ मान लीजिए, कुछ अज्यूम कर लो, मान लीजिए कि ये एल है, है ना। तो अब जो भी आंसर देना, आंसर हमेशा मैसेज पे देना, आंसर बोल के नहीं देना कभी। चलो, मेरे पास आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरे पास कई बच्चों के आंसर आ गए हैं। इस प्लस क्यू की वजह से जो इस पे फोर्स होगा, मान लेते हैं डिस्टेंस थी x, तो उधर लगेगा रिपल्शन का, इस फोर्स की वजह से भी रिपल्शन लगेगा। अब दोनों ही रिपेल कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को इक्वल होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही ऑलरेडी। तो ये फोर्स जो होगा x डिस्टेंस पे, वो लिख देंगे के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और उधर के 4q क्या हो जाएगा, के 4q स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ बचेगी एल माइनस एक्स, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखो, सॉल्व करके ये k q q तो कैंसल, तो l माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ रहा है, रूट ले लो तो l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे अगर मैथ आप लगाते तो माइनस 2x भी एक ऑप्शन होता हमारे पास, है ना, l माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। वो चलो लेके देखता हूँ मैं, बाद में आपको बताएंगे कि उसमें क्या गड़बड़ होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लस साइन ले लेते हैं, प्लस साइन लेंगे तो एक्स उधर जाएगा, है ना, एक्स उधर जाएगा, सो एल शुड बी इक्वल टू एक्स उधर गया, सो आई विल हैव ओनली एक्स, तो एक तो एल इक्वल टू एक्स आ गया, इक्वेशन जा रहा है, प्लस साइन ले लिया। ठीक है, माइनस साइन ले लेते, तो एल माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x,
ये एक्स उधर ले जाओ, कुछ गड़बड़ हो रही है, जस्ट अ सेकंड। 4x स्क्वायर का रूट अपन ने 2x ले लिया था, तो यहाँ पे हिल माइनस एक्स, यहाँ प्लस माइनस साइन ले लिया, अगर प्लस साइन लेंगे तो माइनस एक्स उधर जाके हिल माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2x, x उधर ले जाओ तो ऐड होगा ना, सॉरी वही, तो l इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू l बाय 3। एक तो आंसर मेरे पास x इक्वल टू l बाय 3, फिर वहां माइनस साइन भी ले लो, तो माइनस साइन ले लेंगे तो x l माइनस 2x और ये माइनस जाके उधर प्लस हो गया, तो यहाँ से l इक्वल टू माइनस x आ जाएगा। अब हमने चार्ज को बीच में रखा था तो x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता था, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस l आ गया, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं आ गई। और बता क्या रहा है कि चार्ज इधर की तरफ कहीं इक्विलिब्रियम में आ सकता है, दूसरी पोजीशन वो जो नेगेटिव वाली आ गई ना वो यहाँ की तरफ इक्विलिब्रियम बता रही है, तो यस इट इज पॉसिबल कि यहाँ इक्विलिब्रियम हो जाए, पर मैंने तो दिया ही नहीं था ऐसा सिचुएशन आपको, है ना, पर ये पोजीशन पॉसिबल है। आप चार्ज को इधर रखोगे, ये डिस्टेंस अगर एल हुई और ये डिस्टेंस एल है, तो क्यू से डिस्टेंस एल और फोर क्यू से डबल डिस्टेंस, तो इधर भी इक्विलिब्रियम आएगा, इसलिए वो एक पॉसिबिलिटी आ रही है हमारे पास, ठीक है। पर फिलहाल मैंने क्वेश्चन में बीच में रख के दिया था, तो आंसर शुड बी सच दैट कि बीच में वाली पोजीशन आ जाए, तो एल बाय थ्री रहेंगे अभी तो, क्लियर। चलो दो सिचुएशन आ रही है यहाँ पर, दूसरी सिचुएशन पर भी इक्विलिब्रियम हो रहा है फिलहाल, लेकिन अपन आंसर एल बाय थ्री दे देंगे क्योंकि मैंने पूछा था बीच वाली सिचुएशन। चलो तो ये क्लियर हुआ अपना क्वेश्चन। अब अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं मैं, तो क्या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज आएगा? इस चार्ज का मैग्नीट्यूड में डबल कर देता, मैग्नीट्यूड डबल कर देता, साइन सेम रख के मैग्नीट्यूड डबल करता, तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज आता? नो, बच्चे बोल रहे नो, वेरी गुड, यस, है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या इस चार्ज को नेगेटिव कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? इस चार्ज को नेगेटिव करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? बच्चे बोल रहे कुछ का यस आया था, फिर अब सबके नो, यस नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव करने पर भी क्या होगा कि दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्टिल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड दोनों ही अपोजिट आएंगे, तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो नेगेटिव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो। असीम बोल रहा है सेकेंड सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम क्लियर है ना। अब इस चार्ज को अगर नेगेटिव कर देता और सॉरी, ये जो आंसर आया था ये मिस्टेक हो रही है, आंसर में मिस्टेक हो रही है, l इक्वल टू माइनस एक्स इज नॉट पॉसिबल, l इक्वल टू माइनस एक्स पॉसिबल नहीं हो रहा है बच्चों, मैंने भी जल्दबाजी में बोल दिया। l इक्वल टू माइनस एक्स पे यहाँ आएगा पार्टिकल और दोनों ही रिपेल करेंगे ना उसे, तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, तो वो नॉट पॉसिबल टाइप का आंसर है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, जल्दबाजी में बोल दिया मैंने, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल आ जाएंगे बट वो डायरेक्शन में सेम हो जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। चलो तो ये गलत है, केवल एक ही आंसर सही होगा l बाय थ्री, और उसमें भी चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल देने से और साइन बदल देने से भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। नाउ चार्ज का साइन मैं क्या रखूं एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या रखूं, चार्ज का साइन क्या रखूं और उसका मैग्नीट्यूड क्या रखूं कि ये दोनों चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। आई रिपीट द क्वेश्चन, चार्ज का साइन एंड मैग्नीट्यूड क्या रखूं कि ऑल द थ्री आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल द थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन मैंने बदल दिया, आप ध्यान से सुन के करिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड साइन दोनों चीज बतानी है आपको, सो दैट द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। करो अंशुल चेक करते हैं अपन, करो। मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो समझिए, मैंने क्या बोला है, मैंने इस चार्ज का साइन एंड इसका मैग्नीट्यूड दोनों पूछा है, so that now all the three are in equilibrium, तीनों के तीनों ही equilibrium में हो जाए। Distance क्या लेना है आपको, आप दिमाग लगाइए, distance आपको निकालना पड़ेगी। पुराना क्वेश्चन इधर वाला हटा, ये थ्योरी हटा देते हैं अपन। साइन बिल्कुल सही, असीम बिल्कुल सही, यशवर्धन ठीक है, माधव सही है। साइन तो चलो मैक्सिमम बच्चे सही गेस कर रहे हैं, साइन शुड बी नेगेटिव,
बिकॉज जब इसको अपन नेगेटिव कर देंगे तो दिस विल अट्रैक्ट दिस टू चार्जेस, इन दो चार्जेस से फोर्स अट्रैक्शन का हो जाएगा और ये आपस में तो रिपेल कर ही रहे थे, तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है फिर इन दोनों का, इन दोनों का इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो जाएगा अगर ये चार्ज नेगेटिव हो, बिकॉज ये इनको अट्रैक्ट करेगा और ये आपस में दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन पे बन सकते अगर बीच वाला चार्ज नेगेटिव हो जाए, और बीच वाला चार्ज भी पॉजिटिव होता तो ये दोनों रिपेल करते और बीच वाले की वजह से भी रिपल्शन, तब तो इक्विलिब्रियम आता ही है ना। तो इन दो चार्जेस के रिपल्शन बैलेंसिंग के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए बीच वाला चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। अब बीच वाले का आपको मैंने आपको बताना है मुझे मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। चलो बीच वाले का मैग्नीट्यूड भी काफी बच्चे मुझे बता रहे हैं, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड बताने के लिए अगेन आप किसी भी एक इधर वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम देख लो। नाउ क्यू चार्ज को एक इक्विलिब्रियम में रखना है, तो क्यू चार्ज पे और फोर क्यू की वजह से जो फोर्स है दैट विल बी के क्यू फोर क्यू अपॉन डिस्टेंस इज एल उसका स्क्वायर शुड बी बैलेंस बाय इस चार्ज का फोर्स। अब इस चार्ज को तो इतनी ही डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा एल बाय थ्री पे ताकि वो खुद भी इक्विलिब्रियम में आए, है ना। तो ये डिस्टेंस तो एल बाय थ्री पता है आपको, बस अब इनके बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल बाय थ्री का स्क्वायर। जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन और स्मॉल क्यू मिल जाएगा आपको। तो ये एल बाय थ्री ये पूरा सॉल्व करो, बाय थ्री का बाय नाइन हुआ इधर, वन बाय नाइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर बाय नाइन टाइम्स क्यू ये आ रहा है स्मॉल क्यू, और हम देख चुके थे वो नेगेटिव में होना चाहिए था, तो ये माइनस लगा लो, या मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज दिस एंड साइन इज नेगेटिव। चलो फोर क्यू बाय नाइन दिस शुड बी द आंसर। सबको क्लियर हो रहा है, बच्चों का आंसर तो सबका ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तीनों चार्ज रखे हुए और सबके सब इक्विलिब्रियम में रहेंगे, बिल्कुल सही। चलो बहुत बढ़िया, ओके। इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं अपन, है ना। ये तो अपन ने अभी तीन चार्जेस को रखा एक लीनियर सिचुएशन में। अगला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन में बना के आपको दे सकता हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके वर्टाइसेस पे चार्ज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे क्यू चार्ज है, उसकी साइड लेंथ ए है, और उसके सेंटर पे आपको तीसरा चार्ज रखना है, कोई चार्ज रखना है क्यू। तो वो किस मैग्नीट्यूड का रखना चाहिए कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, वो खुद तो इक्विलिब्रियम में होगा ही बिकॉज उस पर इन तीनों से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इक्वल फोर्सेज आएंगे और एक अलॉन्ग 120 डिग्री अरेंज होंगे, तो ये तो इक्विलिब्रियम में होना ही चाहिए, इसकी वजह से ये तीनों भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बताइए। अरे ट्राई समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, आई हैव थ्री चार्जेस q placed at vertices of a equilateral triangle, उसके सेंटर पे चार्ज रखना है स्मॉल q, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके वेरी गुड, वैभव कुछ बोल रहा है आंसर, ठीक है। अथर्व देखते पुराने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हटा देते, स्पेस चाहिए हमको। तब वही हमको इनमें आपस का रिपल्शन का फोर्स तो पता ही था, उसकी वजह से जो इस पे फोर्स आता है वो ऐसे ऐसे होके उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाता है। नेट फोर्स इधर कितना आता है, एफ कॉस थर्टी, एफ कॉस थर्टी टू एफ कॉस थर्टी, कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू, तो रूट थ्री टाइम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फोर्स होता है। दिस शुड बी बैलेंस बाय फोर्स बाय चार्ज एट द सेंटर, और सेंटर की यहाँ से डिस्टेंस कितनी होती है वो निकालना पड़ेगी आपको। ये एंगल 30 डिग्री होता है, ये होता है, तो ए कॉस 30 दैट इज रूट थ्री ए बाय टू, और उसका टू थर्ड होता है तो ए बाय रूट थ्री, तो दिस विल बी के क्यू क्यू अपॉन ए बाय रूट थ्री स्क्वायर ऑफ, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगी, सो दैट इज ए कॉस 30 का टू थर्ड, सेंटर टू थर्ड और वन थर्ड में डिवाइड करता है, तो ए कॉस 30 का टू थर्ड, कॉस 30 इज रूट थ्री बाय टू, उसका टू थर्ड निकालेंगे तो इट शुड बी ए बाय रूट थ्री, तो ए बाय रूट थ्री डिस्टेंस आएगी सेंटर टू वर्टाइस की। बस अब फोर्सेज बैलेंस करना है, देखो उस इक्वेशन से क्यों मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ऑफकोर्स दिस शुड बी नेगेटिव बिकॉज
ये दोनों इसको रिपेल कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, हेंस इट शुड बी इन नेगेटिव साइन, और उसका मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा मॉड ऑफ क्यू, सॉल्व कर दो ये रूट थ्री, ये बाई थ्री, एक थ्री ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्यू बाई रूट थ्री दिखता है मुझे सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन और भी कर सकते हैं अपन, इज दिस क्लियर सर? अगर सेंटर में क्यू चार्ज नहीं होता, एक मिनट कुछ मेरे पास डाउट आ रहा है, तीनों सर्कुलर मोशन करते हैं, यस हाँ, इन तीनों को सर्कुलर मोशन के लिए देखो अट्रैक्टिव फोर्स ही है, रिपल्शन में नहीं हो पाएगा, तो वो तो कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है इन तीनों को सर्कुलर मोशन करा के भी इक्विलिब्रियम में ला सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि ये तीनों तो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे और सर्कुलर मोशन के लिए टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स चाहिए, तो वो नहीं पॉसिबल। बीच में थोड़ा स्ट्रॉन्ग अमाउंट का नेगेटिव चार्ज रख के फिर सर्कुलर मोशन करवा सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते, तो ऐसे स्क्वायर के क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब बन सकते हैं, तो सब हो जाएंगे अपन। अब दूसरी टाइप की चीजें इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, चलो फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ टाइप चीज की इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते, देखो अगला क्वेश्चन, ऑन अ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस देयर इज अ चार्ज क्यू फिक्स्ड हियर, देयर इज अ चार्ज क्यू फिक्स्ड हियर, एक प्लस चार्ज क्यू फिक्स करा हुआ है, ठीक है? ऑन द सेम सरफेस देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम बट चार्ज क्यू एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, एक ब्लॉक है जिसका मास एम और ग्रेविटी नीचे जी है ना, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड एंड इट हैज अ वैल्यू जी, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ब्लॉक इन द चार्ज, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ब्लॉक एंड द फिक्स्ड चार्ज, सो दैट दिस मास इज इन इक्विलिब्रियम इफ द सरफेस इज रफ एंड हैज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, सरफेस रफ है और सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, सरफेस रफ है और सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो मैंने पूछा इस x की क्या रेंज हो सकती है, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ x, सो दैट दैट ब्लॉक इज दैट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? x की क्या रेंज हो सकती है जिससे वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा, करो फ्रिक्शन इन्वॉल्व करा दिया, देखो आपकी बार अपन ये क्यू चार्ज फिक्स, ब्लॉक कैन मूव बट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, ब्लॉक और चार्ज के बीच की डिस्टेंस एक्स, मैंने पूछा एक्स की रेंज क्या हो सकती है जिससे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ब्लॉक के डाइमेंशंस इग्नोर ही करने हैं ना? हाँ इग्नोर, पॉइंट चार्जेस मान के चलना है ऑफ कोर्स। और मेरे पास आंसर भी आ गया कुछ, बता मैंने रेंज पूछी है, जो भी बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं देखिए मैंने रेंज पूछी है, आई हैव आस्क्ड यू रेंज, ठीक है? नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, आई हैव आस्क्ड यू रेंज, वेरी गुड सिद्धेश, सर्व गुड, चलो। तो ये जो ब्लॉक होगा सभी बच्चे सही कर रहे हैं, इस पे इसकी वजह से होगा रिपल्शन, रिपल्शन का फोर्स विल बी आउटवर्ड हमेशा ही रहेगा, वो तो चाहे कितनी भी डिस्टेंस रखो, है ना? और ये बैलेंस, ये बैलेंस फ्रिक्शन से हो सकता है। अब फ्रिक्शन तो आप जानते हो वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है और एन यहाँ पर एमजी होगा, इसका मतलब म्यू एमजी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स की रेंज आ गई, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन म्यू एमजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है? तो ये अपना आंसर हो जाएगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन म्यू एमजी। हमने करा कैसे, भाई फ्रिक्शन जो होता है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट से कम होता है या उसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो फ्रिक्शन की वैल्यू उसकी मैक्सिमम लिमिट से कम करके रेंज आ गई, ठीक है? तो ऐसे अपन बेसिक से करते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन, अब मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है और उस पर नीचे यहां पर एक चार्ज क्यू फिक्स करा हुआ है और फिर वही अपना जो ब्लॉक था ना उसको ऐसा रखा हुआ है इंक्लाइन की सरफेस पे, उसका मास एम है, चार्ज क्यू है, उसका मास एम है, चार्ज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है,
ठीक है, और आपको दिया हुआ है मैंने कि इन द कंडीशन शोन म्यू जो था इट वॉज लेस देन 10 थीटा, म्यू 10 थीटा से छोटा था, ये आपको बता रखा है, और ये डिस्टेंस एक्स है। अब मैंने पूछ लिया कि व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ एक्स सो दैट दिस ब्लॉक कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ एक्स सो दैट दिस ब्लॉक कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम, करो ट्राई, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ एक्स सो दैट ब्लॉक कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम, करो ट्राई। What could be the range of x so that block can remain in equilibrium? So, नीचे वाले चार्ज पे क्या क्या लिखा है? नीचे वाले चार्ज पे प्लस क्यू है, प्लस कैपिटल क्यू, यही वाला क्वेश्चन जो था ना, बस वही चार्ज है, बस उसको मैंने इंक्लाइन कर दिया सरफेस को, ठीक है। अब करो ट्राई, वेपर का कुछ आंसर आया, गगनदीप का आंसर आया, गगनदीप मैंने रेंज पूछी है, म्यू इज गिवन इज लेस देन 10 थीटा, म्यू 10 थीटा से छोटा है, ये वाला क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम के टाइप की बातें अभी नहीं कर रहे अपन बच्चों, अभी सिर्फ इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे हैं, है ना, तो अभी ज्यादा जब पूछा जाएगा, जब बात करेंगे तब देखेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो फ्रिक्शन यहां पर इनसफिशियंट है to stop the block to move downwards because the angle of inclination theta is such that 10 theta is greater than mu. So, ये मैंने angle of repose बड़ा दे दिया यहाँ पे, angle of repose से बड़ा angle दे दिया incline का, तो इस block की tendency नीचे आने की, पहली चीज तो ये हमें clear हो गई, block की tendency नीचे आने की है, और अगर वो नीचे आने की है तो इस charge से force लगवा आपको, इस charge से force लगवा के उसे रोकना पड़ेगा, है ना। अब तुम बहुत बड़ा x कर दोगे तो फोर्स बहुत कम हो जाएगा, तब टेंडेंसी नीचे आने की होगी, अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी कर दी तो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की है, ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, जो रिपल्शन का फोर्स है वो तो ऊपर होगा ही सही, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर mg sin थीटा बैलेंस करेंगे, तब जब x लार्ज है, x लार्ज होने से ये फोर्स कम हो गया, है ना, तब क्या होगा, तब एक लार्ज की कंडीशन में ये हो जाएगा कि इस सिचुएशन से फ्रिक्शन निकाल सकते हैं अपन, इन दिस सिचुएशन फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड शुड बी एम जी साइन थीटा माइनस के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, बट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड जो होता है इट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है, और म्यू एन एन यहाँ पर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां से सॉल्व करके अपन एक्स पे कंडीशन, ये के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो एम जी कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर की कंडीशन आ गई कि इज लेस देन इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इसका रूट ले लिया, तो ये एक्स की लेस देन पे कंडीशन आ गई। भैया अगर एक्स बहुत बड़ा है ना तो आपको इससे तो बड़ा नहीं करना है, ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इससे एक्स को छोटा रखना पड़ेगा, इससे एक्स छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा कर दोगे तो फिर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह नहीं पाएगा। अब x छोटा था तब क्या होता, सपोज x स्मॉल है, इफ x इज स्मॉल, बहुत छोटा है, तो इस चार्ज से इस पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, और रिपल्शन को भी बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, अब की सिचुएशन में क्या होगा, फ्रिक्शन भी आपको नीचे दिख रहा होगा, ब्लॉक को इतना ज्यादा रिपल्शन का फोर्स लग रहा है चार्ज की वजह से, बहुत बड़ा है, तो आप एमजी साइन थीटा
और फ्रिक्शन मिलकर इसको बैलेंस करेंगे, समझे? तो नाउ अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, नाउ फ्रिक्शन शुड बी के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एम जी साइन थीटा, ये होना चाहिए फ्रिक्शन, बट दिस टर्म शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। यहां से सॉल्व करके फिर से एक्स निकालो, ये उधर ले जाओ, फिर एक्स पे कंडीशन निकाल लो, तो के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, एम जी कॉमन ले लिया तो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बट यहां से एक्स स्क्वायर की कंडीशन आ गई कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम जी टाइम म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कंडीशन आ गई। तो x इससे छोटा और इससे बड़ा, ये दोनों की कॉमन रेंज आ जाएगी, तो x की वैल्यू फाइनली इन दोनों के बीच में ऐसी रेंज, केवल एक ही लिमिट दी थी, दूसरी लिमिट नहीं बताई थी, तो आंसर शुड बी इन अ रेंज। आ रहा है समझ में? हाँ, वो मैं साइन की देख लीजिए, अच्छा ये उधर एक प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देना, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके okay. मुझे बोल रहे थे आपकी सेकंड पार्ट में कुछ समझना है। देखो सेकंड पार्ट मैंने क्या सोचा कि x बहुत छोटा है, x जब बहुत छोटा होगा तो रिपल्शन फोर्स विल बी वेरी लार्ज, एंड इफ दिस रिपल्शन इज वेरी लार्ज तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, फ्रिक्शन इज एन एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बदल सकती है, तो फ्रिक्शन जब भी आ जाए ना तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फ्रिक्शन नहीं होता और ये फोर्स बहुत बड़ा होता तो टेंडेंसी ऊपर जाती, ऊपर होती जाने की, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन नीचे लग के इसे रोकेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इस वजह से क्वेश्चन में लिमिट काफी आ जाती है। चलो और उसके बाद हम देखो, इसके बाद अगर मैं जो रेंज बता रहा हूँ ना एक्स की, इसके बीच में हमें पूछता कि मैं ब्लॉक को डिस्प्लेस करूं तो कैसा इक्विलिब्रियम है बताओ, ये जो मेरे इक्विलिब्रियम के लिए एक्स की रेंज आ गई, अब इनमें से किसी कोई भी बीच में एक्स की वैल्यू ले लेता, वो किस तरह का इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, वेरी गुड, न्यूट्रल होता, वेरी गुड, न्यूट्रल होता है ना, बिकॉज एक्स की एक रेंज है, उस रेंज के बीच में एक्स को थोड़ा भी बढ़ाऊंगा कम करूंगा वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, तो सब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन सब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सिचुएशन, बिल्कुल सही। चलो तो अपन ये न्यूट्रल, अनस्टेबल, स्टेबल, इसके बारे में बातें करना स्टार्ट करें, और इसके बारे में बातें करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, ये सब हटा रहा हूं मैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है वो देखते हैं अपन। I have two charges Q which are fixed at some separation L apart. मेरे पास दो charges Q है जो किसी L distance पे fixed है, fixed ही है ना? इनके बीच में मैंने चार्ज रखा small q, अब वो प्लस या माइनस दोनों रखू, दोनों केस में इक्विलिब्रियम ही होगा क्योंकि एग्जैक्ट बीच में दोनों से इक्वल फोर्स आएगा, चाहे मैं पॉजिटिव रखू चाहे नेगेटिव रखू दोनों केस में इक्विलिब्रियम आएगा। मान लो फिलहाल मैंने पॉजिटिव रखा, लेट्स से क्यू इज पॉजिटिव, ठीक है, अब क्यू पॉजिटिव है तो इसे मैं अगर अलोंग द लाइन थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो प्रूव करना है कि वो एसएचएम करेगा, प्रूव दैट इफ क्यू इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन इट विल डू एसएचएम। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करा है हमने, क्यू को बहुत थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो आपको प्रूव करना है कि वो एसएचएम करेगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। करिए ट्राई, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्यू को अलॉन्ग एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ना है तो एसएचएम करेगा, प्रूव करना है, और एसएचएम होता है तो आप लोग टाइम पीरियड भी निकाल लेते हो, तो टाइम पीरियड भी निकालना है, फाइंड टाइम पीरियड।
सेकंड का टाइम पीरियड। चलो बता रहा हूं मैं सर, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है, वो प्रूव करना है कि एसएचएम करेगा। करें जल्दी टेस्ट, चलो सब बच्चों के मुझे आंसर भी दिख रहे हैं, तो देखो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ बोर्ड पे, है ना, आपके आंसर मुझे सब दिख रहे हैं बच्चों के, तो चलो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। चार्ज को मिड पॉइंट यहाँ था, वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, कितना एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट विल बी एट डिस्टेंस एल बाय टू फ्रॉम ईच ऑफ द चार्ज। अगर एक्स इधर डिस्प्लेस करा है तो इस क्यू से डिस्टेंस हो जाएगी एल बाय टू प्लस एक्स, और ये डिस्टेंस हो जाएगी एल बाय टू माइनस एक्स। डिस्टेंस कम हो गई तो उसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, एफ वन विल बी लार्जर देन एफ टू, है ना, और ये एफ वन एफ टू होंगे, डिस्टेंस एक की एल बाय टू माइनस एक्स, एक की एल बाय टू प्लस एक्स। अब नेट फोर्स तो डेफिनेटली उधर आएगा ना, क्योंकि एफ वन बड़ा है एफ टू से, तो नेट फोर्स तो टूवर्ड द इनिशियल सिचुएशन ही आ गया, तो ये ऑसिलेशन जैसा तो हो ही रहा है, ये तो कन्फर्म है कि ऑसिलेशन होगा। अब एस एच एम के लिए प्रूव करते हैं, तो एस एच एम के लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालते हैं कितना है, वो चेक करते हैं कि क्या वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो इसमें के क्यू क्यू कॉमन, वन अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एल बाय टू माइनस एक्स का, वन अपॉन एल बाय टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम वगैरह ले लो यहाँ पे, एफ नेट के क्यू क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का न्यूमरेटर में फॉर्मूला भी लगा लेता हूं मैं, एल बाय टू प्लस एक्स माइनस एल बाय टू माइनस एक्स, तो हो जाएगा एल बाय टू प्लस एक्स प्लस एल बाय टू माइनस एक्स, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एल बाय टू प्लस एक्स माइनस ऑफ एल बाय टू माइनस एक्स, ये माइनस बी होल थिंग डिवाइड बाय, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर इसका। चलो न्यूमरेटर में जरा ध्यान से देखो, दिस एक्स एंड एक्स आर गेटिंग कैंसल, काट दो इनको, यहाँ एल बाय टू और एल बाय टू कैंसल हो रहे, काट दो इनको, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों, आपका कोई डाउट लिखा हुआ आ रहा है पर मैं अभी प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, L by 2 plus L by 2 is L. Here x plus x should be 2x. वो 2 आगे लिख के x लिख दिया मैंने. Whole thing divided by जो denominator में था L square by 4 minus x square का whole square. Now question में मैंने बोला है displacement करा है along the line और displacement छोटा है. If displacement is small, if x is small, x अगर बहुत छोटा है तो L square by 4 के compare में x square को neglect कर दिया. L square by 4 will be very much greater than x square. तो इसको हम neglect कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा number होगा इसके compare में. तो ये जो force होगा वो सिर्फ x पे dependent आ गया. जो force होगा अब वो आ गया हमारे पास 2 k q q l x whole thing divided by l by 2 के square का square. Sorry, l square by 4 का square. ये इक्वेशन बन गया, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कोई मेरी गलती तो नहीं हुई है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो सही लिखा है मैंने, हाँ अभी तक तो सही लिखता है मुझको। चलो तो ये दिख रहा है साफ साफ कि फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है
और फोर्स की डायरेक्शन एक्स के तो अपोजिट थी, सही, तो एसटीएम हो रहा है, एसटीएम प्रूव हो गया। और जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ये एफ का आया है, इसको मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा एंड दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा मिल जाएगा आपको ये जो नंबर है बाय मास 2kqql अपॉन नीचे एल स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर 4/16 बाय मास, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा। इसका उल्टा करके रूट ले लेंगे तो टाइम पीरियड वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी अभी समझ में आ रही की बात है, क्या चल रहा अपना आंसर समझ में आया आपको? ये हमारा ओमेगा आया है, ओमेगा से टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड विल बी 2π/T, टाइम पीरियड और ओमेगा का रिलेशन ये होता है, तो टी शुड बी 2π/ओमेगा और ओमेगा इसका रूट होगा। हाँ यार, रूट नहीं लगाया मैंने, ओमेगा शुड बी रूट ऑफ इज दिस क्लियर, टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा, इज दिस क्लियर? यस यस, टेलर थ्योरम से जो था काफी, हाँ बोलो सर, यदि हम ये जो आपने सेकेंड स्टेप लिखी है यहीं पे हम यदि अप्रोक्सीमेशन ले ले तो बाइनोमियल वाला, मतलब एल बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस टू करके, हाँ ठीक है कर सकते हो, चलेगा वो भी सर, फिर वहां से अलग आंसर आ रहा है, नहीं सेम आएगा, मतलब आप सही सही अप्रोक्सीमेशन करना, बाइनोमियल लगाने के लिए पहले यहाँ पे एल बाई टू दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। यस सर, यस यस सर, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, एल बाई टू कॉमन नहीं लिया, हाँ कॉमन लेके फिर बाइनोमियल, क्योंकि 1+ अ स्मॉल नंबर की पावर में बाइनोमियल लगाते, 1+ करके बनाना पड़ता है, ठीक है, ओके सर, ठीक है, हाँ वैसे ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए इसकी बातें नहीं करेंगे अपन। चलिए तो ये अपन ने देखा, अब इसी क्वेश्चन में कई बच्चे मुझे बोल भी रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ, चार्ज को एक्स के अलावा अभी डिस्प्लेस करा ना, अब मिड पॉइंट से थोड़ा सा वाई डायरेक्शन डिस्प्लेस कर देते, ऊपर डिस्प्लेस कर देते, चार्ज को थोड़ा सा ऊपर ले जाते, तो क्या होता, क्या उस पे वापस आने जैसा फोर्स लगता? नो, है ना, तो क्या वो वापस नहीं आता, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप इस पोजीशन को क्या बोलोगे, इज इट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस पोजीशन को क्या बोलोगे, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है? चलो या सबसे अच्छा आंसर अभी मेरे पास जो आया है, स्टेबल अलोंग एक्स एंड अनस्टेबल अलोंग वाई, स्टेबल अलोंग एक्स एंड अनस्टेबल अलोंग वाई, दिस इज मोर एक्यूरेट कि एक्स एक्सिस के अलोंग स्टेबल है, वाई एक्सिस के अलोंग अनस्टेबल है। पर अगर कोई पूछे कि आप तो बस ये बताओ कि स्टेबल बोलोगे कि अनस्टेबल बोलोगे, तब क्या आंसर दोगे, इन दो चॉइस में से क्या चूज करोगे, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल नहीं, उसमें फिर अनस्टेबल ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबल का मतलब ये होता है कि उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से किधर भी डिस्प्लेस करो वापस आने की कोशिश होना चाहिए। एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होना चाहिए, कहीं भी डिस्प्लेस करो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वो वापस आने की कोशिश ही होना चाहिए। अगर किसी एक्सिस के स्पेसिफिक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है और दूसरे एक्सिस में अनस्टेबल है तो रिजल्टेंट वो अनस्टेबल ही बोलेंगे, इज दिस क्लियर, है ना। अगर आपको स्टेबल अनस्टेबल में से एक पॉइंट चूज करना होता तो यू शुड चूज अनस्टेबल, बट एक्स एक्सिस में स्टेबल वाई एक्सिस में अनस्टेबल ऐसा भी कह सकते हो। चलो इज दिस क्लियर, ये सबको समझ में आया? ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं? यस, सब बच्चे बोल रहे हैं आई है, ओके वेरी गुड। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है कि चार्जेस, मान लो दो चार्ज या तीन चार्ज या चार चार्ज या पांच चार्ज, कुछ चार्जेस का सिस्टम, जैसे कि यहां पर हमारे पास चार्जेस का सिस्टम था, ठीक है, चार्जेस का सिस्टम बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाए, चार्जेस का सिस्टम बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाए, ऐसा हो सकता है? बच्चे मेरे पास रिप्लाई कर रहे हैं, यस, आंसर इज नो, हो ही नहीं सकता कि चार्जेस बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ चार्जेस अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाए,
इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने के लिए, तो अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, बाद में कभी इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको। पर बच्चे जो भी बोल रहे हैं साइन अपोजिट कर दो, जो भी कर दो, जैसे चलो इसी क्वेश्चन में कोई मुझे बोलता है कि इसे नेगेटिव ले लो, तो नेगेटिव के केस में वाई एक्सिस में तो स्टेबल हो जाता पर एक्स एक्सिस में अनस्टेबल हो जाता। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता ना तो उसका वाई एक्सिस का मोशन स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता, वाई एक्सिस में एसएचएम होता फिर, पर एक्स में अनस्टेबल हो जाता इन दैट केस, क्योंकि एक्स में इसे डिस्प्लेस करोगे तो चार्ज नेगेटिव तो दोनों ही उसको, अब देखो ये वाला चार्ज उसे करेगा अट्रैक्ट और वो भी अट्रैक्ट, तो ये जो बड़ा फोर्स है वो उधर हो जाएगा, तो उधर की तरफ ही चला जाएगा पार्टिकल, तो एक्स में अनस्टेबल हो जाएगा जब चार्ज को नेगेटिव करोगे। ठीक है, चलो फिर मेरे पास एक वर्धन कुछ बोल रहा है, सर स्फीयर है मेड ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस एंड सेंटर पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, अब वो जो सेंटर वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देते ना तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो और वो अपने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में इक्विलिब्रियम में आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम हो सकता है बट दैट इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल ओनली, चलो एटम जैसा कुछ। हाँ ओके, बस ये अपने कुछ इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन करे। अब इसमें एक क्वेश्चन और होता है, जैसे मैंने एक्स में टाइम पीरियड निकलवाया यहाँ पे, तुम इसको टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हो, वाई का भी टाइम पीरियड पूछते हैं तो वाई का टाइम पीरियड में निकाल के आना चाहिए, हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो भी आपको आना चाहिए, अब क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन है तो मैंने वो आप पे छोड़ा है। ठीक है, इससे वाई पर भी टाइम पीरियड निकालने का क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़ते फिर, तो टाइम पीरियड निकालने से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे आपको बिगिनर बॉक्स में, तो क्योंकि ऑलरेडी है बिगिनर बॉक्स में तो मैं सोच रहा हूं अपन आगे बढ़ते है, आप लोग कर ही लोगे बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन, इज दैट ओके। अब हम नई चीज स्टार्ट करते हैं, नॉन पॉइंट चार्जेस मतलब कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज की वजह से फोर्स कैलकुलेशन देखते, कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज की वजह से फोर्स कैलकुलेशन देखते। तो कंटिन्यूस चार्ज बॉडी जैसे कि कोई रॉड है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसकी वजह से किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अपन। ज्यादा तो ऐसे क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे, अभी एक दो क्वेश्चन देखेंगे पर ज्यादा चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, आई हैव अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आई हैव अ रॉड जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म बिल्कुल एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, द लेंथ ऑफ रॉड इज एल एंड द टोटल चार्ज ऑन द रॉड इज क्यू, देयर इज अ पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द रॉड हियर, एक कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ मेरे पास रॉड के बिल्कुल अलाइनमेंट में, रॉड के बिल्कुल अलॉन्ग यहाँ पर रखा हुआ है, इस कोना से एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ, इस पर रॉड की वजह से क्या फोर्स होगा, करिए फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू रॉड, करिए यार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत करे होंगे इलेवंथ क्लास में, सीयूएम में अगर आपने सेंटर मास वगैरह निकाला होगा तो वहां करते हैं अपन, तो वैसे कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, रॉड को छोटे छोटे से चार्जेस में तोड़ लो, किसी एक छोटे चार्ज का यहाँ फोर्स लिखो और वो फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या है, डायरेक्शन देखकर समझ के फिर इंटीग्रेट करो, करिए हाँ ग्रेविटेशन में करा होगा, वेरी गुड। चलो मेरे पास कुछ आंसर आए हैं जैसे ओके गुड सही दिख रहे मुझे, वेरी गुड, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, अच्छे ग्रेविटेशन का अच्छे से याद है मतलब बहुत बहुत बढ़िया। चलो मैं भी कर देता हूँ फिर यार, है ना, तो ऐसा कुछ करा होगा शायद आपने कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस गए, चलो मान लो y डिस्टेंस गए और यहाँ पे छोटा सा सेक्शन काटा जिसकी विड्थ से dy थी, अब इस रॉड पे q चार्ज l लेंथ पे है, तो इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लो यूनिटरी मेथड से, ऑन लेंथ l चार्ज q है तो ऑन लेंथ ऑफ 1 मीटर चार्ज q बाय l हो जाएगा,
सो ऑन लेंथ ऑफ डी वाई चार्ज हो जाएगा क्यू बाय एल इंटू डी वाई। चलो ये मैंने स्टार्ट पहली बार कर रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया, मैं हमेशा ऐसा करता नहीं हूँ पर आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ इसलिए ऐसा करा। यूनिटरी मेथड से हम यूनिटरी मेथड से एल लेंथ का चार्ज क्यू है तो एक मीटर का चार्ज और डी वाई लेंथ का चार्ज मैंने निकाला। इसमें जो क्यू बाय एल है इसको हम बोल देते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। नॉर्मली हम इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्यू बाय एल से। जब भी चार्ज ऑन अ लीनियर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वहां चार्ज पर यूनिट लेंथ का काफी रोल होता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है, इट मीन चार्ज बाय लेंथ। अब इस छोटे से चार्ज पे हमें चार्ज कितना पता चल गया, यहाँ का छोटा सा चार्ज डी क्यू वो मुझे पता चल गया, दैट वाज लैम्डा डी वाई। अब इसकी वजह से वहां पर फोर्स लिखा जा सकता है क्योंकि डिस्टेंस पता है वाई प्लस एक्स, तो इसकी वजह से यहाँ जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन आएगा, लेट से दैट इज डीएफ, तो डीएफ कितना होगा वो लिखो, दैट विल बी के क्यू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी एक्स प्लस वाई उसका स्क्वायर। अब चेक करो कि कहीं फोर्स की डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही, इस चार्ज को कहीं और लेके जाओगे, चार्ज किसी और पोजीशन पे होता तो भी फोर्स तो इधर ही आता ना, तो फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि सेम है इसलिए इसे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधा जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो नेट फोर्स के लिए सीधा डीएफ का इंटीग्रेशन करके मैं टोटल फोर्स निकाल सकता हूँ। इसमें डीएफ में के क्यू तो कॉन्स्टेंट है, डी क्यू की वैल्यू कैसी लैम्डा डी वाई, वो लैम्डा भी कॉन्स्टेंट है, बचा डी वाई नीचे बचा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वाई वेरिएबल अगर वाई हमारे यहाँ पे वेरिएबल है तो वाई की लिमिट लगा दो, वाई विल बी वेरिंग फ्रॉम जीरो टू एल, जीरो टू एल लिमिट लगा दो। अब इंटीग्रेशन कैसे करें, तो एक्स तो एक कांस्टेंट था, ये हो गया वाई का स्क्वायर मतलब एक वेरिएबल का पावर माइनस टू, तो वेरिएबल की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो इसमें, एक्स प्लस वाई की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, या जाएगा इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट से बाहर रहने दो के क्यू लैम्डा और इसमें लिमिट जीरो टू एल, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं। अब पहले अपर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट एल है तो इसमें एल रखो, एक्सप्रेशन में नीचे माइनस वन है तो माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस एल, जीरो डालो तो जीरो डालोगे तो माइनस एक बार वो लगाने से प्लस हो जाएगा तो वन अपॉन आ जाएगा एक्स, बस थोड़ा सा अरेंज अरेंज करके लिख दो तो माइनस एक्स एक्स प्लस एल तो आ गया के क्यू लैम्डा एल अपॉन एक्स प्लस एल इंटू एक्स, और लैम्डा एल वॉज क्यू तो के क्यू क्यू बाय एक्स प्लस एल इंटू एक्स, ये आ गया फाइनल आंसर। चलो मैक्सिमम का सही था, मैंने भी करके बता दिया, ठीक है, इज दिस क्लियर, सॉरी सॉरी। चलो है ना सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते चेंज करते रॉड अब मैं वर्टिकल कर देता हूं, ऐसी रॉड कर दी मैंने, ये है रॉड और यहां रखा है चार्ज, चार्ज रखा है डिस्टेंस एल पर, एल एल में कुछ और लिख देते इसको, लेट से डिस्टेंस आर पर रखा है और रॉड की लेंथ एल है और चार्ज ऐसा रखा है कि रॉड के दोनों कॉर्नर के एंगल दिए हुए हैं, एक कॉर्नर का अल्फा दूसरे कॉर्नर का बीटा, एक कॉर्नर का अल्फा दूसरे कॉर्नर का बीटा है ना, वो यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, क्यू उस पर टोटल चार्ज था, ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने बदल दिया, यस। तो हम और जो भी बच्चे हैं चलो ट्राई करो, करिए आंसर निकालिए इसका, देयर इज अ रॉड, एक चार्ज यहां रखा है रॉड की वजह से चार्ज पे फोर्स निकाल, चार्ज रखा है रॉड से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे, चार्ज से रॉड के दोनों कॉर्नर को जोड़ो तो परपेंडिकुलर लाइन से अल्फा बीटा एंगल बन रहे, करो ट्राई। यस एक्स और वाई दोनों में अलग अलग कंपोनेंट बताना पड़ेंगे आपको, बिल्कुल सही, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लीजिए कुछ, लास्ट क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं,
गामा तो कुछ भी नहीं दिया, ये आर है, दिस इज नॉट गामा, दिस आर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम रॉड इज आर। चलो देखिए मैं भी सॉल्व करता हूं। मैंने सबसे पहले तो ये पॉइंट चार्ज से जो परपेंडिकुलर लाइन थी वहां से एक्स पे जाके छोटा सा एलिमेंट काटा dx width का। इन दिस dx width चार्ज विल बी लैम्डा dx, है ना, अपने थोड़ी देर पहले भी करा था। लैम्डा पर यूनिट लेंथ चार्ज है तो लैम्डा dx यहां का चार्ज होगा इफ दिस लेंथ इज dx, इफ दिस लेंथ इज dx। अब इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा दैट शुड बी अलोंग दिस लाइन, दैट लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, जिसको मैंने x एक्सिस मान लिया। Let's say this is our x-axis. The perpendicular to rod is x-axis and ऊपर की तरफ y-axis. ऐसा अपन ने मान लिया, ठीक है? तो जो मेरा फोर्स है वो एंगल पे है, तो फोर्स का x और y कंपोनेंट निकाल लेंगे अपन। और ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ये एंगल चेंज होगा, तो ये एंगल चेंज होगा, तो अलग अलग एंगल पे यहाँ पे फोर्स आएगा, तो मैं कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा ढंग से। तो चलो फोर्स का x और y कॉम्पोनेंट लेते हैं। तो छोटे से फोर्स का x में कॉम्पोनेंट, df का x में कॉम्पोनेंट, वो क्या होगा, df cos थीटा। df कितना लिखेंगे अपन, वो होगा चार्जेस k qq, k एक चार्ज था q, दूसरा dq विच इज लैम्डा dx अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ दिस डिस्टेंस शुड बी r sec थीटा, ये डिस्टेंस r sec थीटा होना चाहिए, r है थीटा है तो दिस शुड बी r sec थीटा, तो डिवीजन में आ जाएगा r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इनटू दिस इज फोर्स इनटू cos थीटा। तो ये क्या हमारा फोर्स का एक्स में कॉम्पोनेंट। अब ये सब थीटा थीटा में है ना, तो चलो थीटा में पूरा कर लेते हैं, एक्स और आर का रिलेशन रख दो, है ना, एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा दिख रहा है, तो डिफरेंशिएट करो तो डीएक्स हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डीएक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फोर्स का एक्स में कॉम्पोनेंट हो जाएगा के क्यू लैम्डा डीएक्स इज आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा जी थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा। थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं बिकॉज इंटीग्रेशन थीटा में कन्वर्ट करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थोड़े आसान दिखते हैं, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, एक आर भी कैंसिल हो रहा है, कर दो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है के क्यू लैम्डा नीचे एक आर और सिर्फ एक कॉस थीटा डी थीटा बच रहा है। जब फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट निकाल रहे हो तो यार क्या यहां तक की समझ में आई, बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं पर जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज रिप्लाई करिए उनको ये चीज समझ में आई, वेरी गुड, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट आया मेरे पास अभी किसी छोटे से चार्ज की वजह से, अब मुझे पूरा फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर लूंगा, नेट एक्स में जो फोर्स हो जाएगा वो होगा इस छोटे से फोर्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो छोटे से फोर्स के क्यू लैम्डा बाय आर, अच्छा के क्यू लैम्डा ऐसे तो कांस्टेंट ही थे, सब बाहर ले लो, के क्यू लैम्डा और आर, ये आर भी है डिस्टेंस कांस्टेंट ही है, बदल कौन सा रहा है यहाँ पर थीटा, तो इंटीग्रेशन थीटा का हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा, और जो थीटा है वो देखो ये एंगल है, ये एंगल भी ऊपर जाओगे तो सबसे बड़ी वैल्यू, नीचे जाओगे तो सबसे छोटी वैल्यू, है ना। अब क्वेश्चन में आपको दिया है ये एंगल की सबसे ऊपर वैल्यू कितनी है, अल्फा है, नीचे जाओगे तो इट शुड बी माइनस बीटा,
हमने एंगल थीटा के डायरेक्शन ऊपर लिए तो नीचे का एंगल माइनस में लिखना चाहिए मुझे, तो इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस बीटा से प्लस अल्फा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है और लिमिट डाल दो तो आंसर आ जाएगा मेरे पास के क्यू लैम्डा बाय आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विल बी साइन थीटा एंड साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा तो प्लस साइन बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा फिर माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा, तो आप देख लेना है साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस बाहर ले आओगे यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको प्लस करके लिख लेना। चलो ये फोर्थ का एक्स कॉम्पोनेंट निकाला मैंने, इसमें कोई डाउट? फोर्थ के एक्स कॉम्पोनेंट में कोई डाउट? अभी वाई कॉम्पोनेंट बचा हुआ है सर। हाँ बोलिए। एक बार ये समझा दीजिए कि आपने कंपोनेंट्स क्यों लिए। देखो फोर्थ का कॉम्पोनेंट जो इस छोटे से चार्ज का फोर्थ से वो ऐसे एंगल पर आ रहा है और मैं अलग अलग जगह पे लेता हूँ तो ये मुझे एंगल चेंज होते दिखता ना। यस सर। है ना, तो एंगल चेंज हो रहा है तो मेरे फोर्स वेक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं है, जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है तो मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, पर वेक्टर्स की जब डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो तो मुझे उनके कॉम्पोनेंट्स लेके ऐड करना चाहिए, एक्स कॉम्पोनेंट अलग ऐड कर लो वाई कॉम्पोनेंट अलग ऐड कर लो, समझे? ओके सर। चलो तो ये मैंने एक्स कॉम्पोनेंट निकाला, अब वाई कॉम्पोनेंट बचा है, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी वाई कॉम्पोनेंट बचा है, तो ये तो एक्स का कॉम्पोनेंट निकाला, अभी फोर्थ का वाई का कॉम्पोनेंट कितना था? मैंने वाई एक्सिस ऊपर लिया है तो नीचे की तरफ है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो फोर्थ का वाई कॉम्पोनेंट यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, छोटे से फोर्थ का वो हो जाएगा माइनस डी एफ साइन थीटा, तो वो डी एफ कॉस थीटा को सॉल्व करा था तो यहाँ कॉस थीटा डी थीटा आया था, तो जब वाई कॉम्पोनेंट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बाहर एक माइनस है इसलिए माइनस, सॉल्व करके के क्यू लैम्डा बाय आर और अंदर बस साइन थीटा आ जाएगा, है ना? जब ये कॉस थीटा यहाँ पर था तो इंटीग्रेशन में पूरा ये कॉस थीटा डी थीटा आ गया था, जब साइन थीटा का करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, और क्या लिमिट लगा लो माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, ठीक है? तो अब फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट के क्यू लेमडा बाय आर, आई हैव अ माइनस साइन आउटवर्ड बट साइन थीटा का इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस थीटा होता है तो उस माइनस से कैंसिल कर लो और कॉस में लिमिट डाल दो, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, बीटा में नेगेटिव डालोगे तो कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस में एंगल नेगेटिव में डालोगे तो भी सेम ही आएगा, तो ये फोर्स का रिजल्टेंट वाई कॉम्पोनेंट आ गया, ठीक है? ये फोर्स का फाइनल आंसर वाई कॉम्पोनेंट का और ये फोर्स का फाइनल कॉम्पोनेंट एक्स में, तो फोर्स के एक्स और वाई में मतलब रॉड के परपेंडिकुलर रॉड के पैरेलल दो कॉम्पोनेंट निकाल देते हैं, ठीक है सर? ऐसा कुछ मैग्नेटिज्म में भी होता है ना, कई जगह होता है, देखो ऐसा हम पढ़ेंगे ऐसा कई जगह होता है, तो फाइनली ये एक्स में और वाई में दो कॉम्पोनेंट आ गए फोर्स के, एक्स का कॉम्पोनेंट है के लेमडा बाय आर साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस में प्लस हो गया था वो, ठीक है एक्स में, और वाई में जो कॉम्पोनेंट है वो है के लेमडा बाय आर क्यू भी मल्टीप्लाई कर देना इसमें इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस बीटा, जो y में ऊपर की तरफ में फोर्स लिख रहा हो तो देखो ऊपर वाला एंगल प्लस में आया नीचे वाला माइनस में आया, ठीक है? चलो क्या ये चीजें क्लियर हो रही है, क्या ये समझ में आया कैसे करा क्वेश्चन? बच्चे बोल रहे यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और मेरे पास बोल रहे हैं ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड, अच्छा हाँ क्वेश्चन में अगर अपन को एक्स वाई एक्सिस नहीं दी जाए तो अपन को मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? dx इक्वल टू sec स्क्वायर वाला फिर से बता दूं, देखो यहाँ पे x इक्वल टू r tan थीटा था, x को r tan थीटा लिख सकते थे ट्रिग्नोमेट्री से, उसको डिफरेंशिएट करा तो x का डिफरेंशिएशन dx यहाँ पे छोटा सा चेंज इक्वल टू एंगल के छोटे से चेंज में रिलेशन आ गया, r वॉज कॉन्स्टेंट थी तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec cos थीटा इंटू d थीटा आ जाएगा, ठीक है? चलो, और बहुत कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेंदी है, बेटा लेंदी नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जे एडवांस, है ना? ये क्वेश्चन हमारे लिए, मैं तो समझा रहा हूँ आपको तो इसके टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन आपको दो तीन मिनट में होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन दो तीन मिनट में होने की प्रैक्टिस की आपको, समझे? इफ यू वॉन्ट टू एक्सेल इन जे एडवांस, तो और हो भी जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको दो तीन मिनट में करना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो इट्स वेरी इजी,
क्योंकि ये इंटीग्रेशन वगैरह तो आपके लिए सब बाहर तक चल हो जाता है अभी मैथ में सीखने के बाद, ठीक है? यस हाँ, बस आपको क्वेश्चन खूब करना है। एक ही चीज जरूरी है कि पढ़ना है, रोज रोज आपको डिवोट करना है अपना टाइम पढ़ाई में, है ना, रोज खूब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो धीरे धीरे फिर वो लिमिट आती, वो प्रैक्टिस होती कि सब जल्दी होने लगते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन करा अपन ने, रॉड की वजह से उस पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाले जो दो कंपोनेंट में आ गए, चाहो तो रिजल्टेंट बता सकते हो कितना आएगा। अब ये फॉर्मूले याद रखना क्योंकि मैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में कर दूंगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बिल्कुल सेम चीज जरूरत पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो ये अपन ने आप बीबी वन में जितने भी टाइप की चीजें हैं उनके पीछे की सारी थ्योरी अपन ने देख ली है ना, तो बीबी वन के आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है? उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जितने भी क्वेश्चन मिले सब कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन के अभी मैंने दो क्वेश्चन बताए, अब बहुत सारे केसेस इंटीग्रेशन वाले जिसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ेंगे, क्योंकि फोर्स निकालना हर बार हमसे पूछते नहीं है लोग, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पूछते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा सीखेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गई तो फोर्स आसान होता है, फोर्स इज जस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के। तो ऐसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में करे जाएंगे, अभी हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देखेंगे अपन इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे। क्लियर? यस, वेरी गुड। चलिए, तो ये हमने अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ चीजें। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कभी कभी पूछ लेते हैं तो अपन वो डिस्कस करते। देखो, हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि दो चार्जेस, मान लीजिए दो प्लस क्यू चार्जेस है, या चलो एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, इनको फ्री स्पेस में है तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा के, विच इज गिवन एज 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू, मैंने प्लस और माइनस किया है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा वो, या क्यू वन क्यू टू बोल देते, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मैग्नेट ऑफ पोल बिटवीन दिस चार्जेस इज, अब मैं इनके बीच का कोई मीडियम डाल देता, मैंने इनके बीच में पूरे स्पेस में कोई मीडियम डाल दिया, तब आपको फोर्स लिखना आता है, तब इनके बीच में जो नेट फोर्स हो जाएगा, मतलब मीडियम की वजह से फोर्स कम हो जाता है, मीडियम का भी फोर्स लग जाता है एक तरह से, तो इनके बीच का जो नेट फोर्स अब हो जाएगा वो हो जाता है के, दैट इज 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, दिस होल थिंग डिवाइड बाय डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। ये के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है जिसे हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, तो ये आपको पढ़ा हुआ है ये, तो है ना, कि जब पूरे चार्जेस का मीडियम बदल दिया जाए तो क्या होता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आई हैव अ चार्ज क्यू वन, आई हैव अ चार्ज माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू, एंड देयर इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन बिटवीन, एंड देयर इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन बिटवीन, देयर इज अ डायलेक्ट्रिक ब्लॉक इन बिटवीन, नॉट होल द मीडियम इज डायलेक्ट्रिक मीडियम, ओनली अ स्मॉल डायलेक्ट्रिक ब्लॉक इज देयर, बीच में डायरेक्ट्रिक का थोड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ। अब बताओ इनके बीच का फोर्स का क्या होगा, अब आपको बस इतना बताना है कि फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा, बस इतना बताना है, या वही रहेगा, बताओ इनके बीच का फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा, नेट फोर्स इनके बीच का बढ़ेगा कि कम होगा, पहला क्वेश्चन है मेरा, नेट फोर्स इनके बीच का बढ़ेगा कि कम होगा, और दूसरा क्वेश्चन है इनके बीच का फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा। चलो मैं क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेश करता हूं, पहला क्वेश्चन है मेरा, इनके बीच का आपस का म्यूचुअल फोर्स जो है, इनके आपस का फोर्स जो है वो क्या होगा, वो चेंज होगा कि नहीं होगा, सेम, बिल्कुल सही, एवरीबॉडी सेइंग सेम, यस दिस इज करेक्ट, है ना, इनका जो आपस का म्यूचुअल फोर्स है इट विल नॉट चेंज, बट द नेट फोर्स विल चेंज बिकॉज देयर विल बी सम फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट वॉल, है ना, तो ये तो आप सही बोल रहे हो, इनने जो आपस में दूसरे को फोर्स लगाया वो तो चेंज नहीं होगा, बट डायरेक्ट्रिक की वजह से इनके बीच का नेट फोर्स चेंज हो रहा है। चलो, अब नेट फोर्स बढ़ेगा कम होगा कि वही रहेगा, बताओ। गोपाल का आंसर आया, कुछ का वेरी गुड, कुछ बच्चों का आ रहे आंसर,
मेरे पास कुछ बच्चों के इंटरेस्टिंग आंसर भी आ रहा है। यशवर्धन ठीक है, यशवर्धन कुड यू एक्सप्लेन, यशवर्धन आपका आंसर क्या बोलेंगे और बच्चों को समझाएंगे क्यों बोला। सिद्धेश आपने भी सेम चीज बोली है। गगनदीप आप भी सेम चीज बोल रहे हो, कुड यू एक्सप्लेन सर। सर वो माइनस क्यू टू है ना, फिर वो जो बीच में बॉडी रखी है उसके राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा ठीक है, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा ठीक है। सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं ऐसा होगा तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्स पर जाएगा। एक मिनट बाकी बच्चे से पूछ लेते, बाकी सभी बच्चे देख लीजिए क्या है सही है, है ना। माइनस के पास में दिस इज डायलेक्ट्रिक में इधर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उधर इधर नेगेटिव आ जाएगा बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। डायलेक्ट्रिक में ही पोलराइजेशन होता है, उसकी वजह से ये होगा ठीक है। ये बात सब एग्री भी कर रहे है ना। चलो आगे गगनदीप आगे सर। फिर वो उसपे अभी नेट फोर्स पहले उन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स था और इस पे से और अट्रैक्टिव हो जाएगा तो राइट फिर वो नेट में बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, इस Q1 की वजह से इस माइनस Q2 पे अट्रैक्शन का फोर्स था, इस Q1 की वजह से माइनस Q2 पे देखो अट्रैक्शन का फोर्स था। वो सपोज F1 था, F21 था, चार्ज और टू पर वन की वजह से जो फोर्स था वो अट्रैक्शन का था और ये दो चार्जेस और आ गए यहाँ पर, ये प्लस इसके क्लोज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके क्लोज है, ये नेगेटिव चार्ज इससे दूर है, ये प्लस चार्ज इसे करेगा अट्रैक्ट, माइनस चार्ज इसे करेगा रिपेल, पर इन दोनों में से प्लस का फोर्स ज्यादा होगा तो नेट इन दोनों की वजह से फोर्स अट्रैक्शन का आ जाएगा। आई रिपीट, ये प्लस चार्ज इस नेगेटिव को करेगा अट्रैक्ट, माइनस चार्ज इस नेगेटिव को करेगा रिपेल, बट दिस प्लस चार्ज इज क्लोज हैंड इट विल अट्रैक्ट मोर देन द नेगेटिव चार्ज, सो इन दोनों की वजह से नेट फोर्स यहाँ पे अट्रैक्शन का होगा। So due to this dielectric slab, due to this slab, the force of slab will be in net of attraction. Slab भी इसे attract करेगी. That's why the charge जो force लगा रहा है और ये slab का force मिलकर इसका net force बढ़ गया. Net force increase हो गया यहाँ पर. As opposed to this situation जहाँ force कम ही होता है. चाहे charge कैसे भी रखे हो force कम ही होता है. यहाँ क्या हो रहा है? Force बढ़ रहा है. यहाँ क्या हो रहा है? फोर्स बढ़ रहा है जी, यस है ना। तो जब पार्शियल मीडियम रख दिया जाए ना बीच में तो सिचुएशन काफी चेंज हो जाती है पार्शियल के केस में, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ता है हमको, थोड़ा सिचुएशन ढंग से समझना पड़ता है। और पार्शियल रखा हो तभी ऐसा करना है, जब पूरे मीडियम में भर दिया हो कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम तब तो पता है आपको कि फोर्स कम हो जाता है। क्लियर? वेरी गुड, है ना। अब कुछ कुछ किताबों में ना एक मुझे नहीं जमता वो फॉर्मूला, वो गलत फॉर्मूला लगता है, लेकिन किताबों में दिया है, कुछ अच्छी किताबों में दे दिया है, कुछ टीचर से बता देते हैं तो मैं भी बता देता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं एग्री नहीं करता उससे। कुछ कुछ जगह ऐसा दिया हुआ है कि अगर दो चार्जेस है सपोज Q1 और Q2, उनके बीच में एक डायलेक्ट्रिक की स्लैब है T थिकनेस की और उनके बीच की टोटल डिस्टेंस थी D, तो D में से T डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और बचा हुआ एयर है, तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस D में से T हिस्सा एयर का है और D T हिस्सा K मीडियम का है, तो जो K मीडियम का है ना उसमें रूट के लिखो यहां पे और उसका स्क्वायर कर दो, ऐसा कुछ रूट के मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर करो, रूट के टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ किताबों में लिखा रहता है ठीक है। क्या लिखा रहता है बता देता हूं मैं फिर से, डी माइनस सी, डी माइनस सी दिस इज एयर और फ्री स्पेस, तो डी माइनस सी फ्री स्पेस की डिस्टेंस है और टी डिस्टेंस के मीडियम के अंदर है, तो यहां पर रूट के लिखो और डी माइनस सी एयर वाली लिखो, इनका सम करो और उसका स्क्वायर, फोर्स इफेक्टिव ये, ऐसा लिखा रहता है कुछ किताबों में। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा लिखा रहता है पर मैं इससे एग्री नहीं करता, है ना, मेरे हिसाब से ये सही नहीं, क्यों मैंने आपको अभी रीजन बताया, है ना। यहाँ तो फोर्स बढ़ गया है,
तो ये मुझे जमता नहीं है, सिर्फ आप किताबों में लिखा है तो मैंने भी बता दिया ताकि आपको कहीं दिखे तो आप बोल हाँ ठीक है चला ले। कुछ ऐसे ट्रिक व्रिक दिए कुछ किताबों में, चलो दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटल। ये लोग दिमाग लगा के लॉजिक लगा के ये बोलते हैं कि जब बीच में के मीडियम होता है ना तो एक तरह से रूट के टाइम आर डिस्टेंस जैसा हो गया। ये देखो यहाँ पे के आर के अंदर ले जाओ तो रूट के इंटू आर, तो वो ऐसा एनालॉजी बोलते हैं कि जब डायलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो डिस्टेंस रूट के टाइम हो जाती है, तो एयर वाली डिस्टेंस वही लिख दो और डायलेक्ट्रिक की डिस्टेंस रूट के टाइम कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, ऐसा कुछ करते हैं लॉजिक है ना, पर मुझे जमता नहीं है। ओके चलो, तो अपन ने कूलॉम्ब्स लॉ पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखे। अब बीबी वन पूरा आपका होमवर्क है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले के जितने भी क्वेश्चन एसटीवी मिले वो आपको सबको करना है। मैं आपको देखकर क्वेश्चन नंबर भेज भी दूंगा आपके ग्रुप पे कि कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, वो सब क्वेश्चन करना है। तो बीबी वन उससे पहले के सारे इलेक्ट्रिशियन प्लस एसटीवी के इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले के सारे क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये चीज करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक ओके। एसटीवी 1 to 23 चैप्टर 29 1 to 23 हाँ 1 to 23 बता रहा है यार, कोई बच्चा निकुंज जी शायद, तो वो कर लीजिएगा आप, ठीक है ओके। होमवर्क रिपीट कर देता हूँ, बीबी वन कंप्लीट करना है प्लस एसटीवी में इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले के सारे क्वेश्चन 1 to 29 आई थिंक उस बच्चे ने बताया, तो ये कर लीजिएगा। चलिए बाय सबको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बंद।